आपने अक्सर देखा होगा ग्लास के जब फैट्स को वाटर में डाला जाता है या ऑयल वाटर में ड्रॉप कर दिया जाए तो उसके बड़े बड़े से ड्रॉप्स बन जाते हैं। अब होता क्या है कि बाइल इन ड्रॉप्स को छोटे ड्रॉप में ब्रेक डाउन करता है। इसकी इसमें इसको इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। जो छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं इन पर देन लेटर ऑन जो लाइपेज एंजाइम्स हैं जो कि लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम कहलाते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली एक्ट कर सकते हैं और इसके ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि बाइल में किसी किस्म का एंजाइम मौजूद नहीं होता, बट बाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी फैट डाइजेशन इमल्सिफिकेशन। एंड सेकेंडली जो बाइल का रोल है वो बाइल साल्ट्स हैं। ये बाइल साल्ट्स जो हैं ये जो ओवरऑल पीएच है बाइल की उसे अल्कलाइन करते हैं। ये कुछ बाइकार्बोनेट साल्ट्स हैं जो कि मौजूद होते हैं बाइल में। इसके अलावा बाइल पिगमेंटेड होता है यानी इसका कलर होता है ग्रीनिश सा कलर होता है। और ये कलर क्यों होता है? क्योंकि बाइल जो है बाइल में जो पिगमेंट हैं वो रेड ब्लड सेल्स की फेगोसाइटोसिस से बनते हैं। और ये फेगोसाइटोसिस से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है जिससे आयरन रिलीज होती है। और आयरन तो रिसाइकल हो जाती है लेकिन जो बाकी सबका सब मॉलिक्यूल है वो जो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फिर पिगमेंट लेटर ऑन बाइल के ज़रिए जो है वो भेजे जाते हैं गॉल ब्लैडर देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और लेटर ऑन ये बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इन पिगमेंट में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन शामिल हैं। बिलीरुबिन को शायद आप जानते हों हेपेटाइटिस के हवाले से कि बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाने से हेपेटाइटिस हो जाती है। और ये लीवर अगर प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो तो बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक टेस्ट है लीवर की एफिशिएंसी का। लीवर के अलावा जो दूसरा एसेसरी ऑर्गन है वो है पेंक्रियास। और एक और बात लीवर के हवाले से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि लीवर फैट डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है तो वो ऑर्गेनिज़म्स जो कि अपनी डाइट में ज़्यादा फैट लेते हैं जैसे कि कार्निवोर्स हैं जो कि फैटी डाइट लेते हैं मीट लेते हैं तो उनमें जो लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जबकि वो जो कि जिनकी डाइट में फ़ैट बहुत कम है उनमें लीवर का छोटा ऑर्गन है और उसका साइज़ डाइट के मुताबिक है। हमने थ्रू आउट डाइजेस्टिव सिस्टम में यही देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ हाईली मॉडिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दैट एनिमल कंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम द टीथ एंड टू द स्टमिक्स एंड टू द इंटेस्टाइंस एंड द लिवर एंड द पेंक्रियास। ईच एंड एवरी एसेसरी ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड। तो इसी तरह से लिवर भी मॉडिफाइड है। देन लेटर कम्स द पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। एक्सोक्राइन में एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट प्रोड्यूस पेंक्रियाटिक जूस। ये पेंक्रियाटिक जूस जो है ये पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। और इस पेंक्रियाटिक जूस में हर किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बहुत से पेंक्रियाटिक एंजाइम जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। और इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन तो आप पढ़ ही चुके हैं। जब आप हमने पढ़ा था दैट पेंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस दे प्रोड्यूस ग्लूकोगन एंड इंसुलिन एंड दोज फैक्टर्स डेल्टा फैक्टर्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने इसका एंडोक्राइन रोल पढ़ा था। अब जो पेंक्रियाटिक फ्लूड है इसमें बहुत से एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये जो है वो तकरीबन जितने भी आप कह सकते हैं वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में ये मौजूद होता है लेकिन इसका जो साइज़ है वो डिफर कर सकता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें रिलेटिवली सिंपल डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ उनमें ये छोटा होता है और जैसे जैसे बॉडी साइज़ में इजाफा होता है वैसे वैसे इसका साइज़ भी बढ़ता चला जाता है। एंड लास्ट पोर्शन इज़ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन आर मेंट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्दो हम ये कहते हैं कि स्टमक फूड डाइजेस्ट करता है बट दिस इज़ एन एरोनियस स्टेटमेंट। बेसिकली इंटेस्टाइन फूड डाइजेस्ट करती है बिकॉज इंटेस्टाइन रिसीव्स द बाइल
इंटेस्टाइन रिसीव द पेंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इट्स ओन एंजाइम्स, और ये सभी एंजाइम मिलकर यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसे ड्यूडिनम कहा जाता है वहाँ पर फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है, और इसके बाद फूड जो है लेटर ऑन जब ये फूड इंटेस्टाइन से पास ऑन होता है तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो बच जाता है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता या जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जिसको जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, दैट इज़ फाइनली एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम दी बॉडी थ्रू दी एनस। अब यहाँ पर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये फूड में वाटर को जो है वो रेगुलेट करती है। तो इस तरह से, और इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर सीकम भी मौजूद होता है। बेसिकली इस इंटेस्टाइन हार्बर्स द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल। अब इंटेस्टाइन भी एनिमल की टाइप ऑफ फूड से बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं, जैसे कि इस इंटेस्टाइन का साइज़ डिपेंड करता है कि एनिमल किस तरह का फूड ले रहा है, उसका बॉडी साइज़ क्या है और उसकी लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। जैसे कि बहुत सी फिशेस जो हैं, जैसे लैम्प्रेज हैं, कॉन्टिथियंस हैं, इनमें या प्रिमिटिव फिशेज़ हैं, इनमें स्ट्रेट छोटी इंटेस्टाइन मौजूद होती है जो कि स्टमिक को एनस से जोड़ती है, जबकि कुछ बोनी फिशेज़ में इसका, मॉडर्न जो बोनी फिशेज़ हैं उनमें इसका साइज़ इंक्रीज हो गया और एंड इट बिगिंस टू कॉइल। इसी तरह से जब बॉडी साइज़ मज़ीद ज़्यादा हुआ है एम्फीबियंस और रैप्टाइल में और इस और बर्ड्स और मैमल्स में, तो इंटेस्टाइन मज़ीद जो है वो लार्ज होती चली गई है और इसकी ये कॉइल हो गई है, और जितनी बड़ी इंटेस्टाइन होगी इसका मतलब है कि फूड के पास उतना ही ज़्यादा टाइम है कि वो डाइजेस्ट होगा और उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम उतना ज़्यादा देर के लिए एक्ट करेंगे और वो उतना ही ज़्यादा उसके पास चांसेस हैं कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो टिपिकली एनिमल की, किसी भी एनिमल की एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना ही ज़्यादा फूड चाहिए, जितना बड़ा बॉडी साइज़ होगा उसको उतना ही ज़्यादा फूड चाहिए, तो अकॉर्डिंगली जो है उसकी इंटेस्टाइन उतनी ही ज़्यादा लंबी होती चली जाए। सो दिस इज़ एंड विद दिस विद टूडेज लेक्चर। हम कल जो है वो बात करेंगे अबाउट दी मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर आपको इसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क।